नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला। आज हमारी खास मुलाकात में खास मेहमान हैं शिल्पा शेट्टी। आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। तो फिर आपको एक तो वहां जाकर के एक्सपीरियंस हुआ कि इंग्लैंड में जाकर के उन्होंने बुलाया आपको, तो ये एक ऐसा शो था जिससे इंडियन कलाकार जो है जी, कि शो था ना, एक्चुअली रियलिटी शो बोल दीजिए आप उसको, तो आपको लगता है इंडियन, क्योंकि वहां पर जिस तरह की रेशिज्म खड़ा किया, इशू खड़ा किया, शो की बात करूं तो उसमें एक खूबसूरत कन्या आप जैसी जीतना तो था आपको। जेलसी थी उन लोगों को, ऊपरों को, कहीं आपको देखें कितनी पढ़ी लिखी, देखने में सुंदर बॉडी, जैसे भगवान ने कारपेंटरी करके भेजी है यहाँ पर। शुक्रिया शुक्रिया। तो लगता नहीं आपको कि प्रोव कर दिया आपने, आपने प्रोव कर दिया उनको जाकर? मैंने मैंने बिल्कुल मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं जीतूंगी, और जीतने के बाद भी जब मेरा नाम अनाउंस हुआ तो मतलब मैं आश्चर्यचकित रह गई। मैं तो मेरा मेरा चेहरा देखने लायक था जब मैंने रिप्ले देखा बाहर आने के बाद, और मैं बिल्कुल तैयार नहीं थी इसके लिए। मैं आई डिडंट गो विद द स्टेट ऑफ माइंड ऑफ विनिंग, यू नो, आई डिडंट वांट टू विन, आई जस्ट वेंट क्योंकि मैंने सोचा था ये अपॉर्चुनिटी बहुत इंटरेस्टिंग था। जो इंडियंस के बारे में मिसकंसेप्शंस है वेस्ट में, ये उसे दूर करने के लिए इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी था। और हाँ, पैसे भी मुझे बहुत अच्छे ऑफर किए गए थे, मैं बिल्कुल अपॉलोजेटिक नहीं हूँ उसके बारे में। कमर्शियल शो है ये, तो उसमें क्या बात है, एंटरटेनर है, एंटरटेनमेंट है, तो उसके हैसियत से मुझे अच्छे पैसे भी मिले। पर आपके पीछे जहन में क्या था, मोटिव क्या था, क्यों आप ये एक्सेप्ट कर रही है जहाँ पर इंडियन जितनी बार भी गए पिटाई हुई उनकी वहाँ पर जाकर के? एक ही बार कोई गए? नहीं, पहली बात तो ऐसा शो किसी इंडियन को ऑफर हुआ ही नहीं था इससे पहले। पहले एक बार ऐसा हुआ, तो आई थॉट इट वॉज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, एक अच्छा मौका था कि वेस्ट को दिखाएं कि मॉडर्न इंडियन मतलब कैसे होते हैं। हम लोगों के बारे में बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं वेस्ट में कि हम इंग्लिश बोल नहीं पाते, हम फैशन के बारे में डिस्कस नहीं कर सकते, हम इतने ज्यादा मॉडर्न नहीं है, बहुत रिग्रेसिव है। तो मैंने सोचा कि एक अच्छा मौका है लोगों को दिखाने के लिए कि इंडिया मतलब बहुत आगे निकल चुकी है और हम बहुत मॉडर्न है, हम भी जो नॉर्मल टॉपिक है, अंग्रेजी हम ही बोलते हैं। हाँ, वैसे हम बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं, हमारी वोकैबुलरी, वी हैव अ कमांड ओवर द इंग्लिश लैंग्वेज ऑल्सो। काफी सरप्राइज थे मेरी इंग्लिश को लेके वो लोग। लेकिन हाँ, सब कुछ मेरे लिए क्या था, जैसे मैंने पहले कहा, वापस दोहरा रही हूं, मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रही थी अपने वैल्यूज पे, अपने इंडियन होने के नाते मैं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रही थी, तो मेरे लिए इट वॉज अ सेफ बेट। एंड शर्तें क्या क्या लगाई थी, एक दो बता दीजिए। यही कि मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी जो अन इंडियन हो, जो हमारे भारतीय संस्कृति के खिलाफ हो, जो हम लोगों ने बहुत क्लियर कर दिया था पहले ही। मैं मतलब स्क्रीन पे कोई टास्क के लिए किस नहीं करूंगी, या ऐसे कोई अश्लील कपड़े नहीं पहनूंगी जिससे मुझे दिक्कत महसूस हो या लोगों को कोई दिक्कत महसूस हो। तो बहुत मतलब क्लियरली हम लोगों ने ये सारी क्लॉजेस लिख लिए थे जाने से पहले। फिर आपने कुछ बॉडी स्कल्पिंग किया? ये बॉडी स्कल्पिंग को लेके जो आप मेरे पीछे पड़े हो? नहीं, मैं पीछे नहीं पड़ा। बॉडी स्कल्पिंग इज अ फॉर्म ऑफ, यू नो, वर्किंग आउट एंड ठीक है, आप ही का वर्ड है, आपने मेरी सीधी बात नहीं कहा था, आपने कहा था, मेरे को पता नहीं क्या अंग्रेजी है ये, मैं तो हिंदी का आदमी हूँ। मैं बहुत हेल्प मैंने तो अपने कुछ तो किया होगा फिटनेस के लिए, आप बॉडी एक्सरसाइज। मैं बहुत, आपने हिंदुस्तान की नाक बढ़ा दी, अच्छी कर दी, ऊंची कर दी। और मैं आई थिंक बहुत जरूरी होता है कि आप फिट रहे जिंदगी में, फिटनेस के साथ साथ आप अच्छे भी दिखने लग जाते हैं, वो अलग सा एक पैकेज डील होता है। लेकिन मैं फिटनेस को ज्यादा अहमियत इसलिए देती हूँ कि आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी यू नो फिजिकली फिट एंड हेल्दी। आपने फिजिकल फिट करने के बाद दिमाग भी ठीक चलता है ना उसके बाद? हाँ, तो उस दिमाग की वजह से जीत हुई आपकी वहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल। मैं पूछ रहा हूँ, कार्डियो वार्डियो करते हैं कि नहीं आप? तो मैं बहुत कुछ करता हूँ, मैं बताऊंगा आपको, आप सवाल पूछिए मेरे दिमाग में, पर एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। खास मुलाकात में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप बोर तो नहीं हुए, हमारे साथ हैं शिल्पा शेट्टी। रिचर्ड गेयर का सीन जो बार बार दिखाते हैं हम लोग, उस सीन से मैं इंप्रेस, क्योंकि उसमें आपकी पर्सनैलिटी भी एक दिखाई देती है, इसलिए कह रहा हूँ। रिचर्ड गेयर जब होता क्या है सोसाइटी के अंदर, क्योंकि आपने कहा कि वेस्टर्न कल्चर में, आपने अपने इंटरव्यू में भी कहा, रिचर्ड गेयर जब बेंड करके नीज के ऊपर हाथ मांगते हैं,
उसके बाद हग करते हैं जो आपको किस किया उन्होंने चीक्स पे, जो नॉर्मल है वहां पर होता है, कोई नई बात नहीं, कोई नॉर्मल नहीं है वहां पे भी। आई थिंक उन्होंने जो करने की कोशिश, हाथ मांगा जाता है ना जब बेंड करते हैं, व्हाट ही डिड वाज ही वेंट ऑन हिज नीज, उन्होंने हाथ मांगा नहीं था, उन्होंने सिर्फ ऐसे अपने उन्होंने नीचे अपना सर करके उन्होंने अप्रिशिएट करने की कोशिश की प्यार से, एंड ऐसे किया था ना, मुझे याद नहीं है, मुझे मैं ऑनेस्टली मैंने टीवी देखना बंद कर दिया, क्योंकि मैं जब भी ऑन कर देती हूँ कोई ना कोई कंट्रोवर्सी चालू हो जाता है, तो मैंने टीवी बंद करना, मतलब टीवी बंद ही कर दिया। गलत है, उसके ऊपर जजमेंटल हम नहीं कर रहे, कोर्ट वाले डिसाइड करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, तो उसके बाद आप कहीं कहा कि मेरे कान में मैंने कहा थैंक यू, तो उन्होंने हाथ मांगा उसके बाद थैंक यू क्या, ये मतलब क्या, मैं भी थैंक यू करूंगा बाद में। पहली बात तो आपको समझना चाहिए कि हम लोग किस मुद्दे के लिए गए थे वहां पे, एड्स। एक आदमी जो हमारी कंट्री को बिलोंग नहीं करते, उन्होंने अपने हमारी कंट्री को अपना समझ के वक्त निकाल के एड्स को लेके जागरूकता मतलब बढ़ाने की कोशिश की, उसे साइड ट्रैक करके, एक गंभीर इशू को साइड ट्रैक करके हम लोगों ने मतलब इतने अनइम्पॉर्टेंट चीज को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया है। बुरा मुझे इस बात का लगा, बुरा मुझे इस बात का लगा कि जो इंटरनेशनली जो संदेश गया है हमारे कंट्री को लेके, हमारे कंट्री के लोगों के मानसिकता को लेके, बुरा मुझे उस बात को लेकर, मैं ब्राजील में था, वहां दिखाई दे रहा था, कमेंट कर रहे थे लोग वहां पर भी उसी चीज को बार बार। दैट इज नॉट द सेंसिबिलिटी ऑफ आर कंट्री, कुछ लोगों की वजह से, ठीक है, ये मेजोरिटी लोगों की प्रतिक्रिया नहीं थी, लेकिन कुछ लोगों की वजह से मुझे एक्सप्लेनेशन देना पड़ रहा था ऑस्ट्रेलिया में, लंदन में, और मैं अपने आप को डिफेंड नहीं कर रही थी, मैं हमारी कंट्री को डिफेंड कर रही थी, क्योंकि हमारी कंट्री, हम लोग बोलते हैं कि हमारी कंट्री इतनी टॉलरेंट कंट्री है, और मुझे जाके जब लोग सवाल करते हैं कि ये आपकी कंट्री में हो रहा है कि लोग एफिजीज को जला लेते हैं, ये एफिजीज मिलते कहाँ हैं, कोई बात है, तो मुझे अजीब सा लग रहा था कि ये दिस इज द रिएक्शन दैट वी आर हैविंग इंटरनेशनली। इसमें थोड़ा लेसन तो मिला होगा आपको कुछ, की इस तरह का सेंसिटिविटी, चाहे माइनर हो, बड़े घटिया लोग हैं जो करते हैं। देखिए, मैं रिस्पेक्ट करती हूँ लोगों की, मैं बिल्कुल इंटॉलरेंट सोसाइटी कई बार हो जाते हैं, छोटे छोटे पब्लिसिटी के लिए भी लोग करते हैं, कुछ लोग पब्लिसिटी के लिए ही करते हैं, तो पर आपको लगता है कि आगे से शिल्पा शेट्टी तरह ख्याल रखेंगे? नहीं, नाजायज फायदा उठाया जा रहा है हमारी डेमोक्रेसी का, तो खराब मुझे इस बात का लगता है। आई फेस व्हाट एवर द कोर्ट सेज, आई हैव नो, आई रिस्पेक्ट द जुडिशरी, एंड आप खुद वकील हैं, आप जानते हैं कि द कोर्ट विल डू व्हाट इज राइट। कोर्ट के बारे में छोड़िए, आपको लगता है इसके बारे में ऐसा मौका, शायद आप आगे से जब ऐसा कोई मौका आएगा। देखिए, आप मुझे ब्लेम ही कैसे कर सकते हैं, मतलब how what can I do? I come from a society that believes ke you treat a guest with respect, aur maine bas wahi kiya, aur agar aap bade picture ko dekhne jaye to hum log koi filmy function mein gaye nahi the, hum log social tha, NGO ka social cause ke liye gaye the, aur ha us social cause mein hum logon ne thoda bahut entertainment dalne ki koshish ki, kyunki we are both entertainers, Richard and me, लेकिन उसे मिसकंस्ट्रू कर दिया लोगों ने, और मिसयूज किया, मिस आई थिंक कुछ लोगों ने पब्लिसिटी के लिए, कुछ लोग जिनके पॉलिटिकल अफिलिएशंस थे उसकी वजह से, एक एक्टर का नाम लेके आप कुछ भी बोलो, दैट बिकम्स हेडलाइंस, तो आई फेल्ट बैड अबाउट दैट, लेकिन आई एम ओके विद इट नाउ। आई थिंक you know, when you're a celebrity, when you're a public figure, it's a very good line Disraeli said, when you're a public figure, aapko na complain karna chahiye na explain karna chahiye, to na main ab complain kar rahi hu na main explain karungi, aap karo bhai, aap jo karna hai main aapse explain nahi karwaunga kuch bhi, main par poochunga bahut sare sawal aapki personal life ke bare mein, iske baad break, chote se break ke baad Shilpa ji, ab final round chalta hai, jab aapke hum is round chala tha na, wahan pe round mein aur karna, ha mari dalo mujhe एक फिल्म आई जो बॉक्सिंग रिंग में होता है ना, छठा राउंड, एक फिल्म में था, आप कई रूप हैं, आप तो बेरूपी, बहुरूपी, पता नहीं क्या क्या है। अच्छा, हाँ, चुरा के दिल, मेरा गोरिया चली, वाह वाह वाह, अच्छा आपको याद है बगाना, हाँ, उसमें एक्टर भी बड़े थे ना अच्छे, जैसे दोस्ती आपकी, तो उसके बाद मैं चली लूटने किसको, बिहार, अच्छा अच्छा अच्छा, और तीसरा बिग ब्रदर,
कौन सा सच है, कौन सा मेरा वाला रूप है, रूप असली रूप? असली रूप क्या है? गोरिया है जिसको ग्लैमर गर्ल, रोमांटिक गर्ल या फिर वो आइटम गर्ल, ये जो अभी मैं आपके साथ बैठी हूँ ये हाँ। मेरा असली रूप है। मेरे को नहीं समझ, बड़ी देर से कोशिश कर रहा था मैं, जो आप अभी भी पहली बनी हुई है मेरे लिए। नहीं नहीं, आई थिंक आई एम जस्ट अ नॉर्मल सिंपल साधारण सी लड़की हूँ मैं, बहुत मतलब कोई बिल्कुल ही कॉम्प्लिकेटेड नहीं हूँ। और हाँ एक्टर हूँ, वो मेरा प्रोफेशन है। आई हूँ यूपी बिहार लूटने, वो तो लूट लिया आपने। अच्छा लगता है, अच्छा लगता है जब लोग कहते हैं कि मैंने लूट लिया है। हर एक्टर बस यही कोशिश करता है कि वो अप्रिशिएट हो और लोगों को उनका काम पसंद आए, तो बस मेरी भी यही कोशिश रही है हमेशा मैं, कि मैं हर फिल्म से ज्यादा प्यार पाऊं लोगों से। लेकिन जो मैं अपनी जाती जिंदगी में हूँ बहुत ही एक आम लड़की की तरह हूँ मैं, जिसके फीलिंग्स हैं। शिल्पा शेट्टी जो है पिछले 14 साल से जब से भी फिल्म इंडस्ट्री के अंदर आई, एक मशहूर रही किसी ना किसी कारण से, कंट्रोल से फिल्में इतनी सक्सेसफुल हुई, कुछ हुई कुछ नहीं सबके साथ हुआ है, परंतु क्योंकि आप एक किस्म की हैं, आपके किस्म की कोई लड़की और नहीं है। वाह थैंक यू। तो उसके अंदर जो है कि टाइप कास्ट आपने हुई, आइटम गर्ल भी आपको कह सकते हैं, रोमांटिक गर्ल भी कह सकते हैं, अब 30 या 31 साल की उम्र में आ गई हैं, तो आपकी व्यक्तिगत लाइफ में भी तो कुछ ना कुछ हलचल मच रही है कि नहीं? क्योंकि पीछे कंट्रोल चली थी एक फिल्म एक्टर के बारे में, आपने कुछ बोल दिया कि मेरे को अभी भी फोन कर रहे हैं, मेरे से वो इंटरव्यू करने वाले थे, मैंने कुछ नहीं बोला करने वाले थे, वो उन्होंने मना कर दिया कि तो यही सवाल पूछोगे आप मेरे से, इसलिए मैंने बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। और पता नहीं मुझे मीडिया वालों ने क्यों, बहुत ही ओछी बात थी वो, और मैंने बिल्कुल अप्रिशिएट नहीं किया। क्या है लोग भूल जाते हैं कि एक एक्टर एक नॉर्मल इंसान भी है, एंड संबंध बनते नहीं, आई डोंट माइंड देम राइटिंग अबाउट मी, बट एक हद के बाद डोंट हिट बिलो द बेल्ट, और मैं उसे बिल्कुल इनकरेज नहीं करूंगी और बिल्कुल ही अप्रिशिएट नहीं करूंगी। तो जहां तक वो सारी बातें थी वो बहुत ही मतलब सिली थी, और मैं उसे डिस्कस भी नहीं करना चाहती, अहमियत भी नहीं देना चाहती। फिल्म स्टार के बारे में तो बात तो यही होती है ना कि आप शादी करेंगे आप? मैं अभी फिलहाल तो अकेली हूँ और सिंगल हूँ, क्यों मैं अकेली अच्छी नहीं लगती आपको? नहीं, मैं पिछले आपके संबंध तो रहे हैं ना, ये बात तो सच है, हर एक के रहे हैं, वो मेरी जाती जिंदगी है, और उन संबंध को आप भूल गई, अब आप अकेली अच्छी लगती है सबको, तभी तो जीती है आप। सवाल ये की शादी करेंगी नहीं करेंगी? करूंगी, जरूर करूंगी, क्यों नहीं करूंगी? फिल्म स्टार से करेंगी या किसी और से करेंगी? अब मैं ये थोड़ी, मैं क्लेवॉइंट थोड़ी हूँ मैं। अभी आपने कहीं कहा कि मेरे को जो चाहिए वो नहीं मिल रहा अभी तक? इंसान को वही मिलता है जो वो डिजर्व करता है, जो चाहिए होता है वो कभी नहीं मिलता। तो आप क्या डिजर्व करते हैं? आप लगता नहीं, पता नहीं जो भगवान सोचते हैं मैं डिजर्व करती हूँ, मुझे देंगे जरूर। हिंदुस्तान के विदेशों में सब आपको चाहने वाले हैं, कोई पसंद नहीं है अभी आपने? अभी फिलहाल तो वक्त नहीं है रोमांस के लिए, लेकिन मैं चाहूंगी अभी। आपकी जिंदगी में आजकल कोई नहीं है? अभी फिलहाल तो नहीं है प्रभु जी, सच सच तो यही है। लेकिन मैं जरूर, मैं शादी के इंस्टीट्यूशन में बिलीव करती हूँ, और मैं ये पहले भी कह चुकी हूँ, मुझे बच्चों से बहुत प्यार है, तो आई डेफिनेटली वॉन्ट टू बी अ मदर, एंड आई डेफिनेटली वॉन्ट टू हैव अ हैप्पी मैरिज, तो आई डोंट वॉन्ट टू जस्ट गेट इन टू अ मैरिज, बिकॉज डिसाइड नहीं किया है मैंने।